शुक्रवार को आष्टा रोड पर विजय बिंजवा के घर पर दो अज्ञात युवक पहुंचे। उन्होंने विजय को कोल्ड ड्रिंक पिलाई जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे इंदौर रेफर किया, इससे रास्ते में विजय की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी चैतन्य पुत्र देवीलाल माली निवासी राधा कृष्ण कॉलोनी कन्नौद ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि विजय बिंजवा ने करीब 2-3 साल पहले एक व्यक्ति को 27 लाख रुपए उधार दिए थे। कई बार मांगने के बाद भी व्यक्ति पैसा नहीं लौटा रहा था। रुपए के लेन देन को लेकर घटना को अंजाम देने की कही जा रही है। बोलिए। लोग घर पे आए थे तो अपने आप को लोन वाला बता रहे थे जी। मेरे से जानकारी ली, सारी डिटेल से भी बात करी। सर मैं चाय बनाता हूँ, चाय में बनाओ पानी ले आओ। मैं पानी लेने गया, जब तक उनने कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे वो, मुझे भी जबरदस्ती खूब जिद करी, मुझे कोल्ड ड्रिंक पी ली, दो घूट पी, मैंने मना कर दी। फिर उसको उठा के जबरदस्ती मेरे हाथ में दी, फिर दो घूट पी, दो मिनट बाद मुझे उल्टी होने लगी, फिर उठ के और चल दिए। ये है मामला भाई साहब। कौन लोग थे वो? नहीं जानता हूँ मैं। कहाँ पे पिलाई आपको? मेरे घर पे। दो लोग थे। कौन लोग थे आप नहीं जानते? मैं नहीं जानता, अपने आपको लोन वाला बता रहे थे वो। अच्छा, कहाँ से आए थे? वो शायद बाइक से आए होंगे, मैं अंदर था। अच्छा, मेरे घर पे कोई नहीं था जी। बच्चे लोग वहाँ मिलने गए थे, मैं भी मार्केट गया था जी। आपका क्या नाम है? विजय। और उन लोगों का नाम नहीं पूछा आपने? लोन वाला बता रहे थे, नहीं बताया। तो लोन का कभी अप्लाई करा था क्या आपने? लोन का तो करा था, लेकिन अभी फिलहाल अभी अप्लाई नहीं करा था, काफी पहले करा था। कोई बैंकिंग का बताया नाम वाम उन्होंने कि कहां से आए हैं, ये बताया क्या? और फिर राजनीतिक बात हुई जी, इसके बाद में रूपेश शर्मा का नाम दिया उन्होंने, उससे दुश्मनी क्यों पाल रहा तुम? अच्छा, तो मैंने कहा भैया मेरी कोई दुश्मनी नहीं पाल रहा। ठीक है, तो क्या बहुत गलत कर रहे हो उनसे दुश्मनी पाल के? रूपेश शर्मा को मैं स्पष्ट नहीं किया कि तुम उससे बात करके बहुत गलत कर रहे हो, उससे दुश्मनी पाल के। बल्कि भैया मैं किसी से दुश्मनी? सामने यदि वो लोग आते हैं तो पहचान लोगे आप? पहचान लूंगा साहब जी। आप लोग अभी टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ, ठीक है।